हमारी परिणीति चोपड़ा के लिए। थैंक यू। और साथ ही हमारे जजेस ब्यूटीफुल अर्चना पुरान सिंह एंड हैंडसम सोहेल खान के लिए। परिणीति, आपका कॉमेडी शोज कबाब कॉमेडी सर्कस में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू जुआना। कॉमेडी सर्कस की पूरी टीम को बधाई, क्योंकि पहले ही एपिसोड से आप पूरे हिंदुस्तान का दिल जीत लिया है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। इट्स माय फैमिलीज फेवरेट शो। थैंक यू सो मच। एंड आपके शो को नजर ना लगे तो उसी के लिए मैं आपके लिए एक प्रार्थना करना चाहती हूँ, तो उसके लिए एक मंत्र पढ़ना पड़ेगा। जी। हीम ब्रीम कोल क्रीम महान। दैट इज मैजिक। पर ये है क्या? ये है इंडिया की फेमस नींबू मिर्ची मसाला। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है इस शो में। और वहां जाकर ये कैसे किया आप? मैजिक के बाद ले तो मैजिक। आज यहाँ परिणीति के साथ होगा नो लॉजिक ओनली मैजिक। आप तैयार है हंसते हंसते मैजिक देखने के लिए? यस। अर्चना जी, मैंने एक हिंदी फिल्म में देखी थी महाभारत। भीम तो शांत है लेकिन मंडारी का सोवा पुत्र कुंद परेशान है। पता नहीं उसे क्या शिकायत है। चलिए देखते हैं। इसी नौटंकी को लेकर आ रहे हैं बलराज एस नौटंकी वाला कुंद, आदित्य एस नौटंकी वाली मंडारी एंड दिव्यांश। भाई अभी अभी कह रहे थे नींबू मिर्ची की वजह से गोलमाल ने 300 करोड़ कमाए। रोहित शेट्टी ऐसी अपनी फीस बढ़ा रहे हैं हर महीने। यार परिणीति चोपड़ा के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। इतनी सुंदर लड़की पहली बार देखी पता है मैंने आज। आप इतनी ज्यादा सुंदर है ना, मतलब आपका अगर छुट्टा करवा लेना 6 सना सहित मिल जानी है। मतलब इतनी ज्यादा सुंदर है ये कि मुबीन को 1 महीना देखो, उसके बाद इनको 1 बार देखो, सारा जहर उतर जाता है। आपको वो गाना था ना, मैं परेशान परेशान। ओह हो, सुहेल भाई क्या गाना था यार। तो ट्रेन वाले सीन के बाद स्ट्रेस दूर हुआ आपका? हमको आज तक यही लगता रहा कि वो ट्रेन वाला सीन आपकी फिल्म का क्लाइमैक्स है। ये हमने उसके बाद देखी नहीं। मेरा नाम कुंद है। अगर आपको मेरा नाम याद ना हो तो आप मेरे को फुल स्टॉप भी कह सकते हैं। पता नहीं कहाँ रह गए दोनों माँ बाप। अरे मैं अपनी मैरिज एनिवर्सरी क्या भूल गया, तुम तो मुंह फुला के बैठ गई। अरे स्वामी मैं यहाँ हूँ। अरे हैप्पी एनिवर्सरी, हैप्पी एनिवर्सरी, हैप्पी एनिवर्सरी स्वामी। इधर आ जाओ, इधर। पट्टी बांध के भी इनको मार्क नहीं मिलता, बिना पट्टी के भी नहीं मिलता। बेल भाई ये मेरे पापा का सैंपल है। सैंपल? तो बेटा सैंपल ही होते हैं, इतने पापा इतने होते हैं। इसको देख के आपको लग नहीं रहा होगा इसने 100 बच्चे पैदा कर दिए? नहीं, किसी ने किए भाई, ध्यान से देखो कितना घिस गया। खेल भाई दुनिया का पहला ऐसा बाप है, बच्चे बड़े होते गए बाप छोटा होता गया। प्रणाम माते। कौन है? अरे तुम्हारा पुत्र हूँ। किसका? मेरा है इनका। ये इंस्टाग्राम का अकाउंट नहीं है कि अलग अलग खोल के बैठे तुम दोनों? बच्चे ज्वाइंट अकाउंट में होते हैं। 100 बच्चे तुम दोनों के हैं माते, ऐसा नहीं है 30 तेरे 70 इनके। अजय मैं क्या सुन रही हूँ, हमारे 100 बच्चे कब हो गए? हाँ मैं भी सुन ही रहा हूँ, मैंने कौन सा देखे हैं। काश तुम देख लेते पिताजी, कम से कम ब्रेक तो लगा देते। ये तो एक्सेलेटर पे पैर रख के तुमने अंधाधुंध गाड़ी चलाई है ना। कितने साल हो गए माते आपकी शादी को? 40 साल। सुहेल भाई 40 साल में 100 बच्चे, तुम्हें किसी ने बताया तुम्हारी एवरेज विराट कोहली से भी ज्यादा है? देखो कम, तुम कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो अर्जुन। कैसी माँ है यार, इसको अपने बच्चे के नाम तक याद नहीं है। अरे किसने बोला मुझे अपने बच्चों के नाम नहीं याद है, सब याद है मुझे। पहले 10 के बता दे इनको। चल हाँ ये ले, देहरादून, नासिक, जलगांव, बठिंडा, लुधियाना। अरे जा
जहाँ जहाँ बच्चे प्लान किए वो जगह नहीं पूछ रहा, बच्चों के नाम पूछ रहा तुमसे। अरे यार कंफ्यूज मत कर। तो किसी को कोई याद नहीं, पता आपको कोई भाई हिट है हमारे सुहेल भाई आपकी तरह। तू मेरा बाप नहीं था, मैं तेरे को चाय में डुबो के खा जाता, पता है। ये बकवास बंद करो सुशांत। सुशांत अरे नीति के सारे हीरो के नाम ले दिए, अपने बच्चे का नाम याद नहीं इसको। अरे यार हमारी इसको समझा कुछ, मेरे को गुस्सा आ रहा है तुम दोनों पे। अबे यार तेरी बाकी आंख पे पट्टी बंधी हुई है। आंखों से पट्टी हटाओ माते, घर के हालात देखो, देखो 24 घंटे वो दुष्प्रयाग घर में हड़कंप मचाए रखता है। पट है कौन ये उल्लू का पट्टा? तेरा 13वां बेटा है। 13वां? सच्ची? उसको भी भूल गए सुहेल भाई। किसने बोला था तुमको इतने ज्यादा बच्चे पैदा करने के लिए? यार इतना बड़ा महल था, हम दोनों अकेले डर लगता था यार। महल चेंज कर लेते, बार बार मूड क्यों चेंज कर रहे थे? तुम सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हो जॉन, कभी ये नहीं सोचा कि तुम्हारी माँ 100 भाइयों के पीछे भागते भागते कितना थक गई थी। जितना तो हम भाइयों के पीछे भागे ना उतना पति से दूर भाग जाती, ये कलेश होता ही नहीं। नाम नहीं याद हुआ तो क्या हुआ, कभी प्यार में हमने कोई कसर छोड़ी है? अरे अर्चना अजीब है। माना वो अजीब दिखती, इतनी भी नहीं दिखती। अरे अर्चना जी मैंने कभी माते, हर विशाल चीज अर्चना नहीं होती, वो हाथी है। अर्चना जी हमने कभी भी भाइयों के बीच में कोई फर्क नहीं किया, सबको एक बराबर प्यार किया, कभी भी मैंने जॉन और बटुक भोला में कोई अंतर नहीं किया है। एक मिनट, ये बटुक भोला कौन है? होगा ना तुम 100 भाइयों में से कोई एक। इस नाम का मेरा कोई भाई नहीं। बटुक भोला भी नाम अच्छा लग रहा है। एक और कर ले। इसका वही नाम रख दे, क्यों बैजनाथ अच्छा लगा रहा। अगर तुमने अब मेरा नाम सही नहीं बोला ना, मैंने यहाँ पे सारे कपड़े उतार के फेंक देने अपने। ऐसा मत करो परमीत। पिताजी चार मौके आपके पास, क्योंकि मेरे बदन पे चार ही कपड़े, हर गलत नाम पे एक कपड़ा उतारूंगा, याद रखना। नो। सही नाम बता दो मेरा। बेटा मत करो बंटी, ऐसा मत करो। अरे नील, क्या नितिन, मुकेश, बिंटू, मंजू, मंजू। लड़कों के नाम खत्म हो गए, लड़कियों के लेने शुरू कर दिए। भाई दो ही कपड़े बचे, सही नाम लेना, मैं बता रहा हूँ। अरे शांतनु, एक सेकेंड। एक ही कपड़ा बचा मेरे बगल पे सिर्फ कच्चा। सही नाम लेना। ये तुम्हारे पास कैसे आया? ये तो नील का कच्चा है। बच्चा याद है, बच्चा याद नहीं है। चार्जेस, आपको कैसी लगी है ये नूतन की वाली महाभारत? बलराज आपका स्टैंड अप था जिसने इस एक्ट को टोटली होल्ड में रखा। अदिति बहुत अच्छा किया आपने, एंड दिव्यांश इस छोटे पैकेज में आप कितने पावरफुल एक्टर हो, बहुत बढ़िया। परिणीति आपको कैसा लगा? आपकी एक वन लाइनर स्टोरी थी एंड उस पर भी आपने इतना लंबा एक्ट के दौरान सोच रही थी कि इसका एंडिंग क्या हो पाएगा, तो बहुत फनी था, मुझे बहुत मजा आया। थैंक यू सहल जी। टू स्टार्ट द सच अ ग्रेट एक्ट, कांग्रेचुलेशंस टू योर टीम, सुपर्ब। तो चलिए देखते हैं इन्होंने लाफोमीटर पे कितने रुपए कमाए। बलराज अदिति एंड दिव्यांश, आपको मिलती है 10 मंद मंद हंसी, 16 हाहाकार और 22 फेफड़ा फाड़। तो कुल मिलाकर लाफोमीटर पर आपकी टीम ने कमाए हैं 3,25,000 रुपए। और हा हा करके वो पानी में इतना नॉइज पोल्यूशन कर देती है कि समंदर की मछलियां परेशान हो जाती है, इसलिए एक शार्क ने डाइवर्स का पानी में उतारना बैन कर दिया है।
आइए देखते हैं क्या है मजरा। सिद्धार्थ एज ट्रेनर, करिश्मा एज कस्टमर एंड मुबीन एज शार्क। इशक जादे, इशक जादे, इशक जादे। राइट, आई एग्री। भैया बेवकूफ लोग हैं। मैम आपकी फिल्म देखी थी मैंने, इशक जादे। बट मैम आपकी जो फिल्म आ रही है नमस्ते इंग्लैंड, मेरी भी फिल्म आई थी नमस्ते थाईलैंड। तो बस ये हुआ कि वो फिल्म रिलीज नहीं हुई, तब से मैं स्विमिंग सिखाता हूँ। पूछता नहीं कहा मैं सर, दादाजी स्विमिंग सिखाते थे, फिर वो मेरे फादर वो जिनको सिखाते थे उनकी लाशें निकालते थे। हम भी इसी बिजनेस में आ गया। ऐसा नहीं है, आपको लग रहा है कि मैं अभी भी पागलखाने हूँ, कैसा नहीं, हमें पूछता नहीं है काम है हमारा, माथा टेकना जरूरी है। खैर एक लड़की का फोन आया, कहती है मैं आपसे स्विमिंग सीख लूँ। मैं कहा तुम मार्क पे तो आओ। हेलो, मैं बैलेंस बिगाड़ रही, इधर आओ, मार्क पे आओ बेबी। सर आप ही स्विमिंग सिखाते हैं? आपको कोई शक है? मैं सिखाता हूँ स्विमिंग। अरे सर आपके झिंगे जैसी शक्ल देख के तो मुझे पहले से पता चल गया था। लेकिन स्विमिंग के लिए आपको मैं कुछ चीजें बता देता हूँ। हाँ। आपको अंदर अगर शार्क दिखती है पानी में घबराना नहीं है। नहीं, जैसे शार्क है आपने ऐसे कर लेना। ओके सर। समझ गया। हाँ आप बताओ क्या पूछ रहे थे। अगर मैं दिखे तो क्या करूं? तुम कुछ मत करो, जो करना वो खुद करेगा, ठीक है? हाँ मगर मैं इस बात का पूरा ध्यान रखूंगा बाहर बैठ के कि अंदर तुम्हें कोई मगरमच्छ कोई शार्क कुछ ना करे। आप अंदर नहीं आएंगे? तू पागल है, तेरे 500 के चक्कर मगरमच्छ के पेट में घुस जाऊं मैं? अरे उसको अगर कब्ज हुआ तो मैं तो फंस गया ना। ठीक है हम जाने वाले, जल्दी हटो। अरे रुको रुको रुको, वापस आओ, हमने सिलेंडर तो लिया ही नहीं। तो तुझे अंदर जाके चाय बनानी है। 1 2 Oh, the underwater. Nice. पर सर कोई मगरमच्छ या शार्क नहीं दिख रहा। अरे मैं खाऊंगा तुम। मैं बचाऊंगा तुम्हें, मैं बचाऊंगा बेबी। आओ तैरते हैं। वेलकम माय फ्रेंड, वेलकम। शार्काल के जजीरे में आपका स्वागत है। करने दो ना, मजा आ रहा है। काटेगा ना, रेबीज के इंजेक्शन लगेंगे तब। चुप रह। रेबीज के इंजेक्शन लगेंगे? तुम्हें क्या मैं कुत्ता नजर आता हूँ? मैंने कब किया? शार्क जी गलती हो गई। सुनो घबराहट एंग्जाइटी दूर ना करो मैं अपनी। एक मिनट, एंग्जाइटी हो रही है। गलती मुझसे भी हुई है। सुनो मैं आपके जबड़े देख के कंफ्यूज हूँ, मैंने ऐसा नहीं बोला आपको। जबड़े? जबड़े तो भाई मेरे बकरों वाले हैं। वाओ सर कितनी मल्टी टैलेंटेड शार्क है ना। हाँ, क्या है? मल्टी टैलेंटेड शार्क। मल्टी टैलेंटेड शार्क तो है, वो बात तो है। अरे ये सब तो कुछ नहीं, मुर्गी सुनाओ मुर्गी। हाँ, हाँ, हाँ। सारे जानवरों की मिमिक्री करते हो, मुबीन सर की फैन हो। सर आप साइड में हटो। शार्क की हेयर स्टाइल कहाँ से बनवाया? दरअसल समंदर के अंदर मेरा खुद का सैलून है। सैलून? अर्चना जी भी आती हैं। बाल कटवाने? हाँ एक बार बाल कटवाने आई थी, मैंने कहा कैसे हेयर स्टाइल करूँ तो कहती कैसे भी कर दो, पीठ के बाल कौन देखता है। लेकिन तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो मेरे इलाके में? ये समंदर मेरा है। हम लोग ऊपर थे, खाना खा लिया था, वॉक करने के लिए बाहर निकले, गलती से इधर आ गए हम। ये अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ। समंदर के अंदर कौन कौन वॉक करता है? शार्क हमें जाने दो प्लीज। अरे इसे कैसे जाने दूं, आज बदले की रात है। अरे कौन सा बदला? तुम लोगों ने हमारा समंदर गंदा किया हुआ है, इतना प्लास्टिक फेंका है समंदर में। मैंने पिछले हफ्ते 2 अंडे दिए, दोनों में से प्लास्टिक के बच्चे निकले। ये तो अच्छी बात है, बच्चे भीगेंगे नहीं। तुम्हारे टाइटैनिक नहीं है? हाँ है ना, लेकिन आजकल हम उसको ऐसे शौचालय यूज करते हैं। वाओ, यू गो टू शौचालय, वेरी गुड। तुम इंसानों की तरह नहीं जगह जगह कछुए बन के बैठे रहते हो। ये भ्रष्टाचार, ये गंदगी कौन करता है? साले तेरी बात कर रहा हूँ।
हमने आपका समुंदर गीला किया है, गंदा किया है। मैं साफ करूंगी, बताओ कहाँ पोछा लगाना है। समुंदर में पोछा कौन लगाता है? इसके साथ रह के तू भी पकड़ा गई है। क्या मेरे साथ क्या रह रहा है, क्या मैं पागल हूँ क्या? इसके साथ रह रहा है मेरे हूँ पागल हूँ। कब किया मैंने इसे? मेरी बात सुनो, मैं उठा रहा हूँ ना, क्या दिक्कत है? लाओ कचरा किधर है? उठाना तेरे को, मेरी हनीमून पे आई है तू। कचरा उठा, ये है कचरा। अच्छे से उठाओ, ये भी उठाओ। हाँ ये भी उठाओ, तेरे लिए संसद में बिल पास करवाओ कचरा उठाने के लिए। दीदी आपका समंदर हम साफ रहे। तो फिर वादा करो समंदर में कचरा नहीं फेंकोगे? नहीं फेंकेंगे, बलराज को समंदर में जाने नहीं देंगे। अरे पता है हमारी वेल दीदी कचरे की वजह से इंसानों के बीच में जा बसी है। वेल दीदी अब तो वापस आ जाओ घर, कब आओगे लिखो कब आओ। जी साहब बताइए हमारा शार्क सम्मेलन कैसा लगा आपको? ये बहुत जरूरी चीज है प्लास्टिक ओशन में फेंकना, और कॉमेडी के साथ ये मैसेज पास करना बहुत अमेजिंग बात है। एंड यू गाइस आर वेरी टैलेंटेड, अमेजिंग जॉब। अर्चना जी, आई हैव फॉलन इन लव विद ऑल ऑफ यू। सिद्धार्थ, आई कैन प्रॉमिस यू ये सिर्फ तुम्हारी शुरुआत है। वाह, थैंक यू मैम। इतने बड़े शो में ऐसा ही टैलेंट होना चाहिए, और उससे भी बेहतरीन टैलेंट आपने हमें सिखा दिया। सहल जी, दिस काइंड ऑफ टैलेंट यू कैन ओनली बी बॉर्न विथ, एंड ये जो प्लेटफॉर्म है ना, कॉमेडी सर्कस आपको पूरा जस्टिफाई करेगा। एंड वेलकम टू कॉमेडी सर्कस मुबीन सिद्धार्थ। थैंक यू, थैंक यू सो मच। अभी देखते हैं कि लाफोमीटर पे आपने कितने पैसे कमाए। मुबीन सिद्धार्थ और करिश्मा, आपको मिलती है 10 मंद मंद हंसी, 16 हाहाकार और 22 फेफड़ा फाड़। तो कुल मिलाकर लाफोमीटर पर आपकी टीम ने कमाए हैं 3,25,000 रुपए। Amazing work guys, thank you so much। चलिए बुलाते हैं हमारी नेक्स्ट टीम को। वाला जोआना तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? ची, फिर तुम हमारा किसी काम का नहीं है। #377 377 हट चुकी है, लेकिन अर्चना पूरन सिंह बहुत गुस्सा हुई, बोलते अगर हटाना है तो दारा 420 हटाओ ताकि खोले हम चोरी चकारी कर सके। अर्चना जी हमको माफ करना, क्योंकि एक वो माँ होती है जो भूखे पेट रह के बच्चों का पेट पालती है, और एक ये माँ है जो पंच का कर हम बच्चों का घर चलाती जोरदार ताली। वाला हम दुबई से आया, हम लोकड़ वाला मार्केट में गया, उधर देखा अर्चना पूरन सिंह टहल रही थी। फिर हम कोलाबा मार्केट में गया, उधर देखा ये टहल रही थी। फिर हम बांद्रा स्ट्रीट मार्केट में गया, उधर भी ये टहल रहे थे। हमने पकड़ लिया, हमने कहा अर्चना पूरन सिंह तुमको शॉपिंग का इतना शौक है? बोलती नहीं, मैं दुनिया को दिखाना चाहती हूँ कि अर्चना मार्केट में चल रही है। अर्चना जी हमको माफ करना, क्योंकि एक वो माँ होती है जो भूखे पेट रखे बच्चों का पेट पालती है, और एक ये माँ है जो पंच काका करम बच्चों का घर से जोर देता है। वाला बलराज ये लंबा लंबा स्टैंड अप करती है, सच्ची बोलती है। इसका आवाज इतना तेज है कि कॉमेडी सर्कस छोड़ो, यहाँ तक कि केबीसी में आ रहे थे। नमस्कार देवियो, आपका पहला सवाल, आपके ऑप्शन ए, ऑप्शन बी। वाला हम इंडिया घूमने आई है, लेकिन हमारा गाइड किधर है? बहुत बढ़िया, अब तुम साइकिल लेके इसको जाके पीछे रख दो, अर्चना को घर भी जाना होता है। मैं सुंदर मिश्रा 20 साल से इंडस्ट्री में घिस रहा, गाइड है भैया, हमारा काम है लोगों को घुमाना, शहर वहर दिखाना। हाँ। वाला तुमको मालूम है, तुमसे पहले हमको एक गाइड मिला, हमारे साथ बहुत गलत हुआ। नहीं जब महिलाओं वाली मैक्सी पहन के घूमोगे तो गलत तो होगा भैया। बकवास बंद करो तुम, समझे?
मारा कातिरदारी करो तुम। क्या लोगे, ठंडा लोगे गरम लोगे, क्या लोगे? ठंडा। ठंडा लोगे? सना सईद की एंट्री कराओ भैया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वाह हमको बहुत मजा है। क्या डांस किया, अब से तुम हमारी हुई। हम तुम्हारी ही बेगम है। और रोबे तुम, हमको माफ करना, हमने मुंह नहीं देखी। हेलो सुंदर मिश्रा, 20 साल से इंडस्ट्री में घिसरा। जे मैं आपसे कह रहा था कि जे मोमबत्ती में क्या दिखा आपको जो आपने शादी कर ली? पैसा। ओह माय गॉड, मेरा मतलब है कि तुम कितना पैसा लेगी हमें इंडिया घुमाने की? नहीं, आपको तो मैं फ्री में घुमा, तो कोई ऐसी बात ना है। लेकिन क्या है कि चौचले आप लोगों के बहुत होते हैं। ये बिल्डिंग किसने बनाई, कब गिरेगी, कितने मजदूर लगे, इन्हीं फालतू बातों के 5,000 एक ले लूंगा जीएसटी के साथ, और क्या है। वाला पैसों की हमको कोई कमी नहीं है, हमारा 5-5 तेल का कुआं है। हमारे पास इतना तेल है कि टॉस उड़ा तो हेड में भी तेल आती है। सब छोड़ो, तुमने हमको प्रॉमिस किया था कि तुम हमें बॉलीवुड में डांस कराएगी। बताओ ना, कब कराएगी? पिछला पिक्चर में इतना अच्छा डांस कर लिया होता ना, तो इधर बार बार पूछने की जरूरत नहीं पड़ती। डालेंगी सब छोड़ो, ये बताओ हमें, जो इतने दिन से आए तो मुझे हीरोइन कब बनाओगी? वाला तुम हीरोइन बन के क्या कर लेगी मेरे को बता। अरे इंडिया से तो लोग दुबई जाते हीरोइन बनने के लिए, जिसका नाक टेढ़ा होता सर्जरी कराती सीधा करवाती। अर्चना पूरन सिंह हमारे दुबई आते, अब इनका उल्टा पैर सीधा हो गया, मजा लो को इनको चुड़ैल बोल के चुड़ाए। अर्चना जी हमको माफ करना, क्योंकि एक वो माँ होते। अच्छा जे तुम समंदर दिख रहे हो, दो प्यार करने वाले दिख रहे हैं, उनके ठीक सामने बिल्डिंग दिख रही, हाँ। उसे गैलेक्सी कहते हैं, सारे हीरो हीरोइन वहीं आते हैं। हमने सुना गैलेक्सी अपार्टमेंट में जब सुहेल खान आते तो फैंस की भीड़ लग जाती, फोटोग्राफी होती, ऑटोग्राफी होती। नहीं जा में भैया, आपका ऑटो करेक्ट हो गया, सलमान खान की एंट्री। क्योंकि एक माँ के साथ साथ एक बाप भी होती। जे माँ और बाप के ठीक बीच में देख रहे हो आप, जे समंदर बह रहा है, उसका नाम मन्नत है, शाहरुख खान का, बिल्कुल समंदर के साथ में। ओह लेकिन समंदर के पास है तो घर में पानी नहीं आता? अरे ना ना, सुबह सुबह 2-2 घंटे शाहरुख खान क्या करता है, तो समंदर का पानी पीछे चला जाता। हमने जितना दिखाया था दिखा दियो, अब मुझे पैसे दे दो तुम, पूरा 5,000 एक जीएसटी के साथ। तुमने घुमाए, अब हम तुमको घुमाएंगे, अपने ऊंट पे घुमाएंगे। चलो आओ आओ, जल्दी आओ, आओ चलो चलो भैया जाओ, चलो हम तुमको नहीं, हम ऊंट को बुला रहे, जल्दी आओ। ऊंट आ गए, बैठो 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 भैया, हम तुमको नहीं, ऊंट को बोलती, पहले ये बैठेगी, फिर तुम दोनों बैठेगी, फिर चलेगी। अच्छा वेरी गुड, चलो बैठ गए, बैठ गए भैया जी, हाँ बहुत बढ़िया। वो तुमको क्या देखते? मेरे को जुआना देखती। अरे उंगली की बात करती है। इस उंगली की वजह से अर्चना पूरन सिंह आज कॉमेडी सर्कल जज कर रही है, वरना फिल्म वालों ने इनको बोल दिया था चलो निकलो इधर। माफ करना, एक वो माँ होती है। मजा आ रही तुम लोगों को? तुम आगे क्यों नहीं बढ़ रही? कभी इसका बच्ची, ऊट तो कब का पीछे छोड़ गया, अभी हम हलवा बना रही है। हलवा खाएगी? जा हलवा खा, हलवा खा, हलवा खा लेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं। जिधर बन रहे उधर का, अभी हम नाव चला रही है। भैया हाँ, जब मैं कह रहा हूँ पैसा दो, खत्म करो ये सब, मेरे से ना हो रहा हो यार। सॉरी नहीं, मैं पहले डांस करेगी। जब भैया पैसा दो, मैं खत्म करो यार। डांस करेगी प्लीज। अरे जब पैसा दे, एक मिनट, हम तुम दोनों को देंगे, टेंशन मत लो। अरे ये तो वो है, बंदूक दिखा रहा है। बाकी दस वाला 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 बहुत परेशान किया मेरे को मालूम। सुहेल भाई तुमको भी कोई परेशान करता हो, या बिपुल या निकोलो, तो पटन की जबान है फोन करना, भाई बैठा है तुम्हारा बांड्रा में, मैं तो कुछ नहीं।
मैं तो बस कमेंट मांगना चाहूंगा, कमेंट दे दो बस। अर्चना जी, ये एक ऐसी टीम है जिसको हमें आगे देखना है कि कितनी स्ट्रॉन्ग और आई थिंक इवन बेहतर और बेहतरीन होती जाएगी, बिकॉज आई हैव सीन यू थ्री गिव ग्रेट कॉमेडी एंड आई एम होपिंग यू विल। थैंक यू। परिणीति, आज कॉमेडी सर्कस के सेट पे आकर मैं बहुत इंस्पायर हुई हूँ हर एक आर्टिस्ट से। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू कॉमेडी सर्कस, मान गए। सोहेल जी, आप क्या बोलना चाहेंगे? यू गाइस आर सुपर टीम। थैंक यू। कॉन्ग्रेचुलेशंस। अभी देखते हैं कि लाफोमीटर पे आपने कितने पैसे कमाए। गौरव, अभिलाष एंड साना, आपको मिलती है 16 मंद मंद हंसी, 22 हाहाकार और 8 फेफड़ा फाड़। तो कुल मिलाकर लाफोमीटर पर आपकी टीम ने कमाए हैं 2,30,000 रुपए। Amazing work guys, thank you so much. बॉलीवुड फिल्मों में कहते हैं एक लड़का और एक लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते, उसी तरह एक सांप और एक नेवला भी कभी दोस्त नहीं हो सकते। जरा सोचिए, अगर एक नागिन का रिश्ता एक नेवले से हो जाए तो कौन दस लेगा? 20 लेगा। पारितोष इस बारी नागिन और जाज भी इस तंत्रिक एंड अनीता इस चौथी नागिन। नाउ लेट्स सोहेल भाई, सोनी वाले मुझसे इतना मोहब्बत कर रहे हैं, मुझे लेके नया शो प्लान किया है, डस का दम। वैसे मैं नागिन बनी हुई टैलेंट तो दिखा दूं। परिणीति, ये मैंने मुंह से किया है। परिणीति को सोनी वाले लाए हैं, सब जानती हूँ क्यों लाए हैं, लौंडो की टीआरपी खींचना चाह रहे हैं। परिणीति, यू आर किलर, तारीफ नहीं कर रही, हत्यारण हो तुम, तुम्हारे चक्कर में 100 मेढक मर गए हैं। एक तो मेढकों की आंखें पहले से बाहर होती हैं, ऊपर से अंडर वाटर स्विमिंग कॉस्ट्यूम में फोटो डाल दी, आंखें और बाहर आ गई, आंखों के रास्ते प्राण निकला है। ये दुनिया कितनी खूबसूरत है, मैं आज ही इस दुनिया में आई हूँ। और बेटी, दुनिया खूबसूरत है, लग रहा तू सिर्फ परिणीति को देख रही है, बगल में अर्चना जी को भी देख। दुनिया खूबसूरत नहीं है, ना दुनिया हसीन, ना दुनिया बहुत गमगीन है, ऐसे जालिम लोग हैं ना, बीन बजा के हम नागों को पकड़ लेते हैं और 10-10 रुपए के चक्कर में दिन भर धूप में बच्चों के सामने नचाते हैं। वैसे ये बीन कैसी होती है? बीन का क्या है कि उसमें बहुत ज्यादा फिजिकल करना पड़ेगा, फिर भी नहीं बता पाऊंगी। देख, पापा कहाँ है? बेटी, तेरे पापा नहीं है। तो फिर मैं कहाँ से आई? नहीं, उस टाइम तक थे, डायल करके चले गए, रिसीव नहीं कर पाए। मुझे बहुत भूख लगी है, मैं अभी तो पैदा हुई हूँ। अच्छा हाँ, अब मैं तुझे दूध पिलाती हूँ। हाँ। ये ले दूध पी। इतना सा, इतने में मेरा क्या होगा? अच्छा तो फिर ये ले। वाह, लेकिन मैंने तो सुना है कि सांप दूध नहीं पीते। ये बात तो इस बारी नहीं बोल सकती थी। मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दो प्लीज। अच्छा सुन, मैं चूहा पकड़ने जा रही हूँ, तू बस ऊपर देखती रहना। ओके, पर ऊपर क्यों? कभी कभी चील के बच्चे को भी भूख लगी होती है ना, पता चला मैं तेरे लिए डिनर लेने गई, तू खुद किसी का डिनर बन गई। शकल से चुहिया, बॉडी से लड़की, हू कौन यू? तू मुझे नहीं जानते। तुझे तो कोई भी नहीं जानता। चुप, मैं तांत्रिक हूँ और मैं नागिनों का फ्यूचर बताती हूँ। सुन, फ्यूचर बताना तो अच्छे से बताना, नहीं तो मैं तेरा फास्ट बता दूंगी कल रात वाला। हार्ड में जा, मैं तुम्हारी बेटी का भविष्य नहीं बताऊंगी, उसे शिक्षा नहीं दूंगी। तू अगर इसे शिक्षा नहीं देगी, मैं तुझे भिक्षा नहीं दूंगी। तू कटोरे जैसी शक्ल खाली लेके जाएगी। क्या तुमने मेरी शक्ल को कटोरा कैसे बोला? देख के बोला, सिंपल। मामा, आंटी को कटोरा मत बोलो। क्या तुमने मुझे आंटी बोला? ओवर एक्टिंग की दुकान भड़क क्यों रही है? उस औरत से सीख, उस औरत को हमने औरत के अलावा सब कुछ बोला है, उसको बुरा नहीं लगता है। ए, श्राप दे दूंगी। श्राप मत देना, मेरे पास है, तू बस चखना दे।
अच्छा अच्छा चल बता और क्या क्या कर सकती है। मैं फेस रीडिंग कर सकती हूँ। अच्छा चल चल फेस रीडिंग कर, फेस रीडिंग कर। तुम्हारा फ्यूचर तो बहुत ब्राइट है, तुम्हारी शादी एक नेवले से होने वाली है। एक मिनट, नेवले से शादी हरगिज नहीं हो सकती है। बेटी नेवले बड़े बदतमीज होते हैं, जान जान कह के लव बाइट देते हैं, जान निकल जाती है। लेकिन उसकी शादी नेवले से ही होगी क्योंकि उसके भविष्य में यही लिखा है। किसने लिखा है? Who is the writer? मैंने। इसलिए इतना नल्ला जा रहा है, तूने लिखा है। अच्छा ठीक है, एक मिनट, लो इससे शादी करा लो। सिद्धार्थ पागल? सिद्धार्थ सागर। बेटी एक ही बात है, उससे तो शादी ना ही कर। क्या है ना, कोई बेचारा सुधर रहा होता है तो उसको सुधरने देना चाहिए। तू उसके पास चली जाएगी, कल से फिर स्नेक बाइट लेने लगेगा। तो फिर मैं कॉमेडी सर्कस छोड़ के जा रही हूँ अपने डेली सोप में, यहाँ पर कोई नहीं है। तू कॉमेडी सर्कस छोड़ के डेली सोप में जा रही है? डेली सोप ने क्या दिया है तुझे? घर, बंगला, गाड़ी, इवेंट्स, रिबन कटिंग, शोज, पर कॉमेडी सर्कस ने क्या दिया है? कॉमेडी सर्कस ने कृष्णा, सुदेश, भारती, सिद्धार्थ, मुबीन, कपिल शर्मा दिए हैं। अर्चना भी तो दी है। बेटा गलती सबसे होती है। अब तो मैं कॉमेडी सर्कस में ही रहूंगी। उनसे पूछ तो ले वो रखेंगे कि नहीं, तुझे नहीं इसे रखेंगे या नहीं। तो जजेस कैसी लगी है इनकी परफॉर्मेंस? ये अच्छा थीम है, नो लॉजिक ओनली मैजिक। यहाँ पर नो लॉजिक था लेकिन मैजिक था आपकी एक्टिंग का, आपकी परफॉर्मेंस का, एंड स्पेशली फॉर यू। आपका अगर पंच होता भी नहीं है ना तो भी आप उसे फोड़ देते हैं एज अ पंच। ब्यूटिफुल। आई थिंक इट वॉज अ वेरी क्यूट एक्ट, जेन्युइनली मुझे बहुत क्यूट लगा। इट वॉज अ वेरी वेरी नाइस एक्ट। टाइमिंग को बरकरार रखना एंड punch over punch, line over line, Anita and Ojaswi, both of you guys took match up to him, is unbelievable. So congratulations. Thank you, sir. So, you got a laugh from me. Paritosh, Anita and Ojaswi, you get 12 mand mand hasi, 22 ha ha kar. और 14 फेफड़ा फाड़। तो कुल मिलाकर लाफोमीटर पर आपकी टीम ने कमाए हैं 2,80,000 रुपए।